हाँ रोजी बोलो। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक अकाउंट नंबर सेंड किया है, मुझे अभी के अभी 1,00,000 रुपए ट्रांसफर। और हाँ, इस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं, प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज अभी के अभी करना। 1,00,000 रुपए चाहिए एकदम से, क्या करूं? रोजी एक बात पूछूं, तुमने वो जो तुमने 1,00,000 रुपए लिए थे, अमित तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बात पैसों की नहीं है रोजी, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हम ये सारी बातें करके हमारा टाइम क्यों खराब करेंगे? हम शादी कब करेंगे? हम बहुत जल्द शादी करेंगे। आई लव यू। आई लव यू टू। रोजी आ रही हूँ। जल्दी आओ, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस। नाश्ता तैयार है? आ जाओ आ जाओ। रोजी एक बात बोलूं? रोजी हमें बहुत वक्त हो गया साथ रहते हुए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं शादी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये क्या शादी शादी लगा के रखे हो? जब देखो तब शादी, जब देखो तब शादी। क्या कमी है हमारे जिंदगी में? कितने खुश हैं हम। मानो शादी कर भी ली, कहाँ रहेंगे? किराए के मकान में? हम शादी तब करेंगे जब हमारे पास खुद का घर रहेगा। कुछ सोचता हूँ। अमित, तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स है क्या? इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? अमित, मैं चलता हूँ। नाश्ता तो करके बाद में करता हूँ। I'll see you later. Bye. अमित नाश्ता? पापा, मैंने आपको पहले ही फोन करके कह दिया था कि वो लैंड सेल कर दो, मुझे घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बेटा, मुझे इस बात से एतराज नहीं कि तुम पैसा ले रहे हो घर खरीदने के लिए। मैं तुझे इस बात से आगाह कर रहा हूँ, तू जिस लड़की के साथ में तू रह रहा है वो सही लड़की नहीं है। पापा, मैं रोजी को जानता हूँ, हम दोनों साथ रहते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पर जो लड़की बगैर शादीशुदा तेरे साथ गुजारा कर रही है वो, उसके संस्कार ठीक नहीं है, तू सोच ले। पापा, वो मुंबई है, वहाँ ऐसा ही होता है।
पहले दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, फिर जाके शादी का फैसला करते हैं। बेटा मैंने भी दुनिया देखी है और तू मुझे समझा रहा है। मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ एक पिता के नाते, मेरा फर्ज है और मैंने जो सही देखा वही तुझे बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। ये ले। और हाँ एक बात हमेशा हमारे याद रखना, बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा धोखा खाएगा, उसके बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। रोजी, कहाँ गए थे तुम? हेलो घर के पेपर्स, मैंने इस घर को ही खरीद लिया है। What? हमारी यादें जो है इस घर में, मैंने ओनर से पहले ही बात कर ली थी। अब खुश? ये घर तुमने मेरे नाम किया है? तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम, बात तो एक ही है ना। You are so sweet. I love you too. हेलो। हाय रोजी, कहाँ हो तुम? अरे यार बेंगलोर जाना पड़ रहा है 3 दिन के लिए ऑफिस के कुछ काम से। आई मिस यू सो मच, पर क्या करूँ, जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी आऊंगा मैं पक्का। ठीक है तुम चले जाना। एंड हाँ, आई मिस यू टू, लव यू। और हाँ अपना ध्यान रखना। बाद आने वाले थे ना, तुम अब आ गए। ये कौन है? अरे ये मेरा कजन है, इसकी जॉब लगी है ना, थोड़े दिन के लिए अपने पास रहेगा फिर चला जाएगा। मेरे एब्सेंस में कोई आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्या करती हो तुम? इसको अभी इसी वक्त इस घर से निकालो। रिलैक्स अम्मी, वो चला जाएगा। रोजी आज तो मैं फैसला कर ही दूंगा, तुम मुझसे आज शादी कर रही हो और मैं कुछ नहीं जानता। जब जब तुमसे शादी के लिए कहता हूँ तुम तब तक कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती हो। अब तो घर भी हो गया अपना, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बस करो अमीर, बार बार एक ही बात सुनकर मैं थक गई हूँ। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, और मुझे ये जिंदगी चाहिए ना कि वो तुम्हारी टिपिकल बोरिंग लाइफ। तुम शादी को बोरिंग बोल रही हो? मेरे लिए सबसे खूबसूरत जिंदगी है, और मैं तुमसे शुरू से ही शादी करना चाहता था, तुम ही हो जो बहाना बना के टाल रही हो। अपनी ये गांव वाली सोच है ना अपने पास रखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ और मुझे तुम जैसे इंसान में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर नहीं करनी शादी तो जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। लीव माय हाउस राइट नाउ। योर हाउस? सुना आपने, योर हाउस? हाँ ये घर तुम्हारा नहीं है अमित, ये घर तुमने बड़े ही प्यार से मेरे नाम पे लिखा था। Stupid, so now you leave. और हाँ मैंने शादी कर ली है, ये जो मेरा कजन है ना, he is my bloody husband. रोज़े! चिल्ला मत, ये मेरा घर है। और जो तुमने मुझे पैसे और गिफ्ट दिए है ना, और वो उसकी कीमत है जो 6 महीने तुमने मेरे साथ अय्याशी करी। So you leave now.